हिमाचल के जिला कांगड़ा के श्री रक्कड़ में एक बैठक के दौरान भाजपा नेता हंसराज ने कहा कि इस बार भाजपा का प्रत्याशी श्री रक्कड़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ही होना चाहिए। इस बैठक में एडवोकेट नरेश ठाकुर व युवा नेता वीरेंद्र ठाकुर ने भाग लिया। जिला कांगड़ा से अनंत सूद केकेएस मीडिया। तो तुम चाह रहे हो कि डांडा में पड़े, डांडा में लोगों ने जमीनें खरीद ली, आपने अपनी बिल्डिंगें बना ली, आपकी तो पूरी प्लानिंग है। तो सही बात, अगर हम लोग स्थापना डालते सर तो इस वक्त डांडा में खाली खुल गया होता। अब स्थिति है कि अब नहीं खुलेगा, अब चुनाव के बाद बनेगा। तो इसलिए हमारा इलाका जो है, हमारी अगली जनरेशन हमें कोसे ना कि नेतारी सारे बेवकूफ थे, पब्बू थे, ठीक है। तो हम सबको इस बार इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस इस तरफ तो ये लोग एक बार तो कुर्बानी करनी पड़ेगी इस इलाके को बचाने के लिए। ऐसे में तभी बनेगा जब यहाँ का विधायक, अगर विधायक चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जसवा हो, तब कभी नहीं बनेगा प्रांत में। उसमें एक एक और चाल है, तहसील की तीन देंगे इनको छोड़ने रहे। तो वही है जो ये इलाका इतना बड़ा जहाँ वोट ज्यादा है उसको हम कैसे ये बात हमने लोगों को बतानी है, लोग जगानी है इस बात की। ये है मुद्दा इस बार इलेक्शन का, इस वक्त बाकी कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन का।